नमस्कार, मैं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। आजमगढ़ में बिजली कर्मचारियों ने विभाग के निजीकरण को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने हाथ में मशाल लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बिजली विभाग के पदाधिकारियों ने जानकारी दी कि जिस तरह से निजीकरण सरकार कर रही है, उसके विरोध में बड़ी संख्या में कर्मचारी अपने काम का बहिष्कार कर रहे हैं। सरकार ने निजीकरण का फैसला वापस नहीं लिया तो अगली 5 तारीख तक कर्मचारी काम का बहिष्कार करेंगे। वितरण का जो निगम का निजीकरण सरकार कर रही है, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार मिलकर के, उसी के खिलाफ आज पूरे शहर भर मशाल जुलूस निकला है और हम लोग 5 बजे से निकले हैं, 7 बजे वापस आए हैं। अब कल से हम लोगों का अगला कार्यक्रम है, 2 बजे से 5 बजे तक कार्य बहिष्कार चलेगा और उसके बाद 4 तारीख तक चलेगा। उसके बाद 9 तारीख से 5 तारीख से लगातार अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार चलेगा। महोबा के शहर कोतवाली इलाके में परशुराम सेना के प्रदेश प्रभारी ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर प्रशासनिक उत्पीड़न के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। धरने के समय प्रदेश प्रभारी ने बताया कि प्रशासनिक अधिकारियों उन्हें जबरन प्रताड़ित कर रहे हैं। उन्होंने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस ने उनके घर की गाड़ियों को जब्त कर लिया है और उनके खिलाफ गुंडा एक्ट की कार्रवाई करते हुए उन्हें टॉप 10 अपराधियों की सूची में नामजद किया है। इसी पर विरोध जताते हुए प्रदेश प्रभारी ने कहा कि उन्हें फंसाने की साजिश की जा रही है, किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, मानसिक हमारे घर में फोर्स भेजी जा रही है। तेज बोला बेटा, हमारे घर में फोर्स भेजी जा रही है, हम लोगों को मानसिक उत्पीड़न दे रहे हैं। हम हमारे हस्बैंड को मुकदमे लगाए जा रहे हैं, फर्जी मुकदमे। मैनपुरी के कुरावली नगर में सुविधा शुल्क न मिलने पर अस्पताल कर्मियों ने महिला की डिलीवरी नहीं की। गर्भवती महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया और 6,000 रुपए सुविधा शुल्क न मिलने पर प्रसूता को अस्पताल से रेफर कर दिया गया, जिसके बाद महिला ने खुले आसमान के नीचे बच्ची को जन्म दिया। शिकायत की तकरीबन 1.5 घंटे बाद जच्चा बच्चा दोनों को दोबारा एम्बुलेंस से अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामला क्या, डिलीवरी होने को थी, यहाँ ले गया सुबह, 2 घंटे का टाइम लिया था जी। 2 घंटे के बाद मना कर दी, मैनपुरी ले जाइए जी। इनने पर्चा भी नहीं बनाया, फिर मिथिलेश के यहाँ ले गए जी। घर पे पहुँचे, उनने बोला कि भाई 6,000 रुपये लगेंगे जी। इनने कहा 6,000 तो नहीं, हाथ जोड़ पैर छू के हमारे पापा ने कही भाई 6,000 तो नहीं, कुछ भी करो। तो क्या पैसा, तो करते करते इनने 4,500 रुपये में हाँ भर्ती के हॉस्पिटल ले चलो चलो जी। फिर हॉस्पिटल लेके आए, फिर इनने दोबारा मना कर दी, फिर यहाँ से ले जा रहे भाई प्राइवेट ले जा रहे थे हम जल्दी जल्दी में, कहीं हो जाए। इन्हें बताया कि बच्चे में धड़कन भी नहीं है, बच्चा खतरे में है, तो यहाँ ले जा रहे थे, ये नहीं है वो अंजनी वाले उसके पास ले जा रहे थे, फिर वहाँ तक पहुँचे नहीं, जो है ये फौजी सटन के सामने होगी डिलीवरी। ललितपुर में विधानसभा उपचुनाव को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी और SP सहित कई अधिकारियों ने मिलकर बैठक की। बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि विधानसभा उपनिर्वाचन शांतिपूर्ण तरीके से हो, इसके लिए अधिकारियों के साथ बातचीत की गई है। अधिकारी ने कहा कि बॉर्डर पर सुरक्षा को और बढ़ा दिया जाए, सभी चेक पोस्ट पर अधिक पुलिस बल को तैनात किया गया है। अशोकनगर हम मुंगावली कर मुंगावली करते हैं, इसके लिए बॉर्डर में ये दोनों जिला में कोऑर्डिनेशन अच्छा होना, उसके लिए कोई भी अपराधी या उसके द्वारा कुछ मामला तोड़ना इसी करके हम लोगों को अच्छा तरीके से कोऑर्डिनेशन मीटिंग आज हुआ। आबकारी अधिकारी सब लोगों का एक मीटिंग था, मुझे सब डिविजन लेवल से रेवेन्यू प्लस पुलिस सभी। अधिकारियों की गाड़ियों पर नीली और लाल बत्ती को काफी पहले ही हटा दिया गया था, लेकिन बस्ती में अभी VIP कल्चर को फॉलो किया जा रहा है। दरअसल जिले में CDO अपनी गाड़ी पर बत्ती लगाकर चल रही हैं। जानकारी ये भी मिली कि जिले में कुछ और भी अधिकारी हैं जो अपनी गाड़ियों पर बत्ती लगाकर चल रहे हैं और इन अधिकारियों के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बुलंदशहर की छतारी पुलिस ने गौ तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। गौ तस्करी की जानकारी मिलने पर पुलिस ने इलाके को चेक करते हुए 9 महिला तस्करों को गिरफ्तार किया है, जबकि 6 तस्कर घटनास्थल से भागने में कामयाब हो गए हैं। गिरफ्तार महिला तस्करों के पास से पुलिस ने नशीला पाउडर और गौकशी के लिए प्रयोग किए जाने वाले हथियार सहित 87 गौवंशों को भी बरामद कर लिया है।
हरदोई के शाहबाद कोतवाली में झोला छाप डॉक्टर के इलाज से गर्भवती महिला की मौत हो गई। मृतका के पति ने झोला छाप डॉक्टर पर गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप लगाया है। इस संबंध में मृतका के पति ने पुलिस को तहरीर देकर झोला छाप डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल प्रार्थना पत्र मिलने के बाद पुलिस जाँच के आदेश दे दिए है। सर, हम हरद्वारी लाल डॉक्टर के पास दवाई लेने गया और हमारी दुल्हन के पेट में 9 महीने का बच्चा था, तो उन्होंने 2 इंजेक्शन लगा दिए, साहब हमारी औरत खत्म हो गई। तुरंत खत्म हो गई या घर लाने के बाद खत्म? सर, घर लाए उसके बाद में 1 घंटे के बाद खत्म। ये सूचना मिली है थाने को और इसमें फौती सूचना है कि कालागाढ़ा गांव की एक महिला है जो कल वो गर्भवती थी और कल वो दवा लेने के लिए गई थी। इस क्लिनिक को हरद्वारी लाल चला रहे हैं, जिनके बारे में अभी तक की सूचना के अनुसार वो डिग्री सक्षम डिग्री नहीं रखते हैं। उनकी दवाई इन्होंने खाया था, ये बात स्पष्ट है, और दवा खाने के बाद 3-4 घंटों बाद बताया जा रहा है कि उनकी डेथ हो गई है। बॉडी को हम लोगों ने पीएम के लिए भिजवा दिया है, बाद पीएम इसमें हम निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे और न्यायोचित विधिक कार्रवाई कर देंगे। आईपीएल में सट्टा लगाने वालों की कोशिश को संबल की नखास थाना पुलिस ने नाकाम कर दिया है। पुलिस ने छापेमारी करते हुए बंद पड़े मकान से 4 सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया है। सट्टेबाजों के पास से 11 मोबाइल के साथ हजारों रुपए और कई सामान बरामद हुए हैं। एसपी यमुना प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सट्टेबाजों के बारे में जानकारी दी है। ये जनपद संभल में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आईपीएल क्रिकेट पर सट्टा लगाने वाले 4 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं मोहल्ला हौज भदेसराय से। ये यहाँ पे एक रजिस्टर रख करके और लोगों को आईपीएल में सट्टा लगवाते थे, जिसमें पर बाल 100 रुपये, चौके पर 1000 रुपये, छक्के पर 2000 रुपये और शतक पर 10000 रुपये के हिसाब से ऑनलाइन सट्टा लगाते थे। इसमें 4 अपराधी जो नसीम अख्तर, मोहम्मद नाजिम, आकिब उर्फ सकंदर और साकिब को गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से 11 मोबाइल, 1 टीवी, 1 रिमोट सेट, 1 सेटअप बॉक्स, 2 रजिस्टर, 2 पेन, चटाई और 11,400 रुपये नकद बरामद किए गए हैं। संभल के असमोली थाना क्षेत्र में लापता महिला का शव खेत से बरामद हुआ। शव को देखने के बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। घटना की जानकारी मिलते ही असमोली थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंच गए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। ये हरिपुर मिलक थाना असमोली क्षेत्र का गाँव है। ये महिला है हम सीरन, इनकी उम्र है करीब 55 से 58 वर्ष के लगभग है। ये कल शाम 4:30 बजे घर से बताया जा रहा है कि घास लेने जंगल में आई थी। आज इनकी डेड बॉडी यहाँ ईंट के खेत में मिली है। जब तलाश किया गया है, इनकी हत्या गले में एक रस्सी जो का फंदा डाल के की गई है। इनके घर वालों से तहरीर प्राप्त कर ली गई है। डेड बॉडी का पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है, आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। संत कबीर नगर के मऊली थाना क्षेत्र में मैंसिर चौराहे के पास पुलिस ने 2 शातिर गैंगस्टर को गिरफ्तार किया है। पुलिस हिरासत में आए अपराधियों के पास से पुलिस ने अवैध असलाह के साथ कई और सामान को भी बरामद किया है। पुलिस की पूछताछ में अपराधियों ने अपने जुर्म को कबूल कर लिया है। आप लोगों ने देखा होगा कि 1.5 महीने से अभियान चल रहा था अपराधियों के धर पकड़ का, जिसमें शराब पे भी काम चल रहा था और साथ में असलाह तस्करों के संबंध में भी छानबीन की जा रही थी। उसी कड़ी में सर्विलांस टीम लगी हुई थी, तो कुछ हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई थी कि ये लोग इस तरह के धंधे में लिप्त हैं। कुछ अवैध असलहों से संबंधित अपराधी इस बीच भी पकड़े गए थे, लेकिन ये पिस्टल के साथ वाले अपराधी, जिसमें 2 पिस्टल बरामद हुआ है, 1 तमंचा बरामद हुआ है, जो असलाह सप्लाई का भी काम करते थे, इनकी गिरफ्तारी आज हुई है, जिसमें से 2 अभियुक्त ऋषिकेश कोई यादव और ओमकार तिवारी ये गिरफ्तार किए गए हैं, जो क्रमशः थाना बेदीपार और जनपद संत कबीर नगर के कोतवाली थाने से संबंधित हैं। इनका ठीक ठाक अपराधिक इतिहास रहा है, पहले भी ये गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में सहजनवा से जेल जा चुके हैं अलग अलग। इनका एसोसिएशन चंदन गैंग, जो चंदन गैंग बहुत सक्रिय गैंग है गोरखपुर का, उससे भी इनका एसोसिएशन पाया गया है।